हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल मोटो लाइफस्टाइल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। पहले तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे पहले वीडियो को इतना पसंद किया, इतना लाइक किया और शेयर किया। तो आज मैं आपको लेके जाऊँगा स्वामीनारायण मंदिर जो है पोइचा में। ये हमारा पहले दिन का सेकेंड पार्ट है जो हम शाम को गए थे। राजपीपला से 12 किलोमीटर दूर है। तो आप अगर कम्युनिटी आ रहे हो तो इस मंदिर ज़रूर जाइए, बिकॉज ये काफ़ी शानदार मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। हम पहुंच गए हैं स्वामीनारायण मंदिर जो है पोइचा में। काफ़ी बड़ा मंदिर है, सॉरी आपको कुछ दिखता नहीं रहेगा अभी क्योंकि रात हो चुकी है, हमको काफ़ी लेट हुआ आ जाने के लिए। गाइस आप देख सकते हैं ये मंदिर कितना बड़ा है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तभी आप ये मंदिर के मेन डोर पे आते हैं। आप अगर देखोगे तो ऐसे आपको लगेगा कि कोई मूवी का स्टेज लगा हुआ है। आप देख सकते हो ये मंदिर कितनी खूबसूरती से बनाया गया है और ये इतना बड़ा है कि अगर इसको आपको अगर हर मंदिर में यहाँ पे जाना है तो आपका पूरा दिन चला जाएगा। शायद से ये श्री कृष्ण जी की रासलीला यहाँ पे दिखाई गई है। नंतर कर्म हो मंदिर को आप देखोगे तो देखते रह जाओगे, तो ये समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे क्या क्या देखोगे।
ये भगवान जी की हवेली है जहाँ पे वो विश्राम करते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये काम किया गया है, बेहद खूबसूरत है, वेरी ब्यूटीफुल। जहाँ पे आपको काफ़ी डिस्काउंट में खाना मिलेगा, जैसे गुजराती थाली है, खिचड़ी कढ़ी है, पंजाबी थाली है। अगर आपको साउथ इंडियन खाना है जैसे डोसा, इडली, ये सब यहाँ पे मिलेगा और वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे। देखिए हमारा खाना आ चुका है, तो खाने में हमने गुजराती थाली ली है जिसमें छाछ है, कढ़ी है, खिचड़ी है, दो सब्जी और रोटी। अभी हम खाना खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स अभी खाना खा के हो गया, खाना बहुत ही टेस्टी था, दो सब्जियां थी, एक कढ़ी थी, खिचड़ी थी जो घी में बनी थी, और सही में खाना बहुत टेस्टी था। बहुत दिनों के बाद मैंने इतना टेस्टी खाना खाया। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि मैं ताकि मैं और अच्छे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।